नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल कॉन्टेस्ट कॉटेज पर स्वागत है। फास्ट कैलकुलेशन का ये थर्ड पार्ट है। इससे पहले दो पार्ट कराए गए थे जो बेस्ड ऑन परसेंटेज था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, जो कि बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन है, या जो थर्ड पार्ट है बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट इसका है टिप्स टू मल्टीप्लाई विथ 11, 99, 5 की पावर एंड डॉट, इस तरह। मतलब कहने का मतलब ये, जो ये पहला जो कॉन्सेप्ट है, ट्रिकी अप्रोच है, इसमें ट्रिक सिखाया जाएगा। और जो इसका दूसरा पार्ट है बेस मेथड, बेस मेथड में क्या होगा, इस बेस मेथड का यूज़ करके हम स्क्वायर, मतलब इसका हेल्प किसमें मिलेगा, स्क्वायर निकालने में, सो बेस मेथड यहाँ सीखेंगे। और थर्ड पार्ट है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड कुछ है नहीं, ये आपका पूरा पूरा बेसिक है, जो आप बेसिक बचपन से पढ़ रहे हो मल्टीप्लाई करना, उसी चीज़ को यहाँ पे क्रिस क्रॉस थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करके कैलकुलेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं, कुछ तरीके यहाँ पे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। अगर वो एरो आपके दिमाग में रहेंगे तो आप मल्टीप्लाई ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टोटली डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर दिमाग से गैप हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, टिप्स टू मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिया है टिप्स टू मल्टीप्लाई विथ 11, 99, 5 की पावर एंड डॉट डॉट, बहुत सारे इसमें है ट्रिकी अप्रोच। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं मल्टीप्लाई विथ 1, 1। मल्टीप्लाई विथ 1, 1 का मतलब ये है कि दोनों डिजिट में क्या हो, 1, 1 हो। जैसे अगर एग्जांपल के तौर की हम बात करें, फर्स्ट जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1111 इंटू दिस, पर हमने ये लिख लिया 1,11,111। मतलब ये जो क्या दिया गया है, 1111 गुणे 1,11,111, इनको आपस में मल्टीप्लाई हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, फास्ट तरीके से इसको फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो करना है यहाँ पे क्या, जल्दी करने का तरीका इसका ये है, यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, और यहाँ कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हैं। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, और यहाँ कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे, इनमें जो छोटा डिजिट है उसको लेंगे, जो स्मॉलर डिजिट होगा हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 है, तो हम क्योंकि 4 और 6 है तो हम क्या लेंगे, 4 लेंगे, तो हमने इसको सेलेक्ट किया 4 को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 तक हम काउंटिंग नंबर लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 क्या किया हमने, 4 के लिया, तो यहाँ पे 4 तक काउंटिंग नंबर लिखा, 1, 2, 3, 4, मतलब 4 तक गिनतियाँ लिखा, तो 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इन दोनों नंबर्स के बीच में हम क्या देखेंगे, गैप, डिफरेंस, इन दोनों नंबर के बीच अंतर कितने का है। तो इन दोनों नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का है। मतलब 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, 2 है, सो 4 को हम 2 टाइम और लिखेंगे। देन उसके बाद घटते हुए क्रम में 3, 2, 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार इसको रिपीट करते हैं अगेन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे जो 1 है वो 4 टाइम है, यहाँ पे जो 1 है 6 टाइम है। ये मेथड तभी अप्लीकेबल होगा जब ये 1, 1 के बेस, मतलब ये इसका बेस है, इस टाइप में होगा तभी लग पाएगा। डिजिट चेंज कर दोगे तो नहीं लग पाएगा, जब डिजिट 1, 1 रहेंगे दोनों तरफ तभी लग पाएगा। ठीक है, तो एक बार रिपीट करते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 6 डिजिट है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो छोटा वाला है, जो स्मॉलर नंबर, उसको लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 4 डिजिट वाला, तो 4 डिजिट यहाँ पे है, तो हम यहाँ तक
फोर तक काउंटिंग नंबर लिखा, 1 2 3 4, उसके बाद इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस देखा, तो इन दो नंबर का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो जो यहाँ पे लास्ट में नंबर आया है उसको इतनी मतलब जो डिफरेंस है उतनी बार और लिखेंगे, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, इसलिए 4 को हम 2 टाइम और लिखेंगे, तो 4 को यहाँ पे 2 टाइम लिखा, 4 4। उसके बाद देन डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा, तो 4 से डिक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 1 आएगा, दैट इज आंसर। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3, ऐसे मान लेते हैं। अब ये चीज लिखा हुआ यहाँ पे, या और बढ़ा लेते हैं, 4 5 6, या ये कर लिया, तो यहाँ पे 1 कितना है, 5 टाइम है, ये कितना है, 6 टाइम है। तो हमने कहा कि इन दोनों में जो छोटा होगा, छोटा कितना है, 5 है, तो हम 5 तक काउंटिंग नंबर लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, उसके बाद इन दोनों नंबर का देखेंगे डिफरेंस, तो इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है कितने का, 1 का है, तो इसको 1 टाइम और लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 5। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या आएगा, 4 3 2 1, दैट इज आंसर। ठीक है, तो जैसे तीसरा एग्जांपल ले लेते एक और, मान लीजिए सपोज दैट 2 2 2 2 इंटू इधर कर दिया जाए 5 5 5 दिस, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि डिजिट अलग अलग है, लेकिन इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को मालूम है, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू दिस, भाई इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, इंटू इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 2222 को लिख सकते हैं, 2 इंटू 1111 इंटू 555 को लिख सकते हैं, 111 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच हम पहला वाला कॉन्सन लगाएंगे और 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे सबसे पहले हमने क्या किया, 5 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और इंटू अब इसके बाद यहाँ कितना है, 4 डिजिट है, और यहाँ कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। ठीक है, ये 4 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो हम इसमें क्या लेंगे, छोटा नंबर, तो यहाँ पर लेंगे 3 को, तो 3 तक लिखेंगे काउंटिंग नंबर, तो 1 2 3, उसके बाद इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस देखेंगे, और इन दोनों नंबर के बीच जो डिफरेंस है वो 1 का है, सो इस 3 को 1 टाइम और लिखेंगे, तो जब 1 टाइम और लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 3 2 1। अब 10 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो फाइनली आपका आंसर निकल आएगा 1 2 3 3 2 1 0, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये तो समझाने के लिए हमने इतना लिख दिया, आप इसको डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ पे आ सकते हो, करना क्या है, डायरेक्ट वे का मतलब यहाँ पे ये है, जैसे अगर हम यहीं पे एक फोर्थ जैसे लेते हैं, जैसे देखो ऐसे, जैसे हमने यहाँ पे इसको समझाने के लिए आपको बकायदे सब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कर दिया कि इसको हम ये लिख सकते हैं, इसको ये लिख दिया, इसके बाद फिर इनको आपस में क्या, इसको तो थोड़ा सा आपको लग रहा कि बड़ा है, जबकि बड़ा नहीं है। ठीक, जैसे मान लीजिए इसी को, जैसे सपोज दैट कि आप यहाँ से यहाँ कैसे आएंगे, उसके बाद आंसर, मतलब आपका दो स्टेप में आंसर निकल आएगा। ठीक है, जैसे सपोज दैट 3 3 3 इंटू मान लीजिए 2 2 2, ऐसे आ गया। ठीक, करना आपको यहाँ पे क्या है, ये कितने डिजिट है, 1 2 3 टाइम है,
जल्दी कैसे कर रहे हैं, थ्री टाइम है, 1 2 3 4 5, ये फाइव टाइम है, ठीक, ये थ्री टाइम है, 1 2 3, थ्री टाइम, तो यहाँ पे थ्री लगा दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फाइव टाइम, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फाइव लिख दिया। अब हम जल्दी कैसे करेंगे, सीधा हम दो स्टेप में कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे थ्री कॉमन है, यहाँ पे टू कॉमन है, यहाँ पे थ्री कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन, टू कॉमन, थ्री इंटू टू कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, थ्री इंटू टू सिक्स, तो हमने यहाँ पे लिखा सिक्स, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन टू थ्री, और इन दोनों का डिफरेंस कितने का, टू का है, तो इसको टू टाइम और लिखेंगे, थ्री थ्री, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसके बाद घटते हुए क्रम में लिखेंगे, तो टू वन आएगा, सिक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो सिक्स ट्वेल्व, एट्टीन वन नाइनटीन, एट्टीन वन नाइनटीन, एट्टीन वन नाइनटीन, और ट्वेल्व वन थर्टीन, और सिक्स वन सेवन, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं आप इसका नेक्स्ट सेक्शन, मल्टीप्लाई विथ अलेवन या मल्टीपल ऑफ अलेवन, मतलब अब हमें या तो मल्टीप्लाई करेंगे केवल अलेवन से, एक तरफ अलेवन होगा, एक तरफ कुछ भी हो सकता है, या दूसरा यहाँ पे अलेवन का मल्टीपल, अलेवन का मल्टीपल मतलब जैसे 22, 33, 44, 66, इसी तरह जो उनके मल्टीप्लाई में आ जाए, मतलब अलेवन का मल्टीपल, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं इसका, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ 4532 इंटू अलेवन है, 4532 इंटू अलेवन है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4532 इंटू अलेवन, करना कुछ नहीं है, अगर यहाँ पे अलेवन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि वैसे भी आपको 11 का टेबल आता है, टेबल आता है तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप फास्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे लॉजिक सिखाना, वो लॉजिक यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से यहाँ करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे 2, तो 2 का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करो, 3 2 कितना होता है 5, फिर इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 8 आएगा, इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 9 आ जाएगा, फिर लास्ट में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सो आंसर आएगा 49852। सबसे पहले क्या किया, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मल्टीप्लाई ना करें केवल डिजिट को ऐड करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया 2 लिया, मतलब पहला स्टेप यहाँ से क्या लिया 2 का 2 लिखा, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया कितना आ गया 5 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया 8 आ गया, फिर इन दोनों को ऐड किया 9 आ गया, फिर लास्ट में कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे जो स्टेप लिया है, जैसे इसी का अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज दैट जैसे नाइन जीरो थ्री फोर इंटू अलेवन, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो जल्दी कैसे करेंगे, तरीका यहाँ पे क्या है देखिए, तो सिस्टम यहाँ पे क्या बनता है, 4 का हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 7 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 3 आएगा, इन दोनों को ऐड करो 9 आएगा, और लास्ट में कितना आ जाएगा 9, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखो अच्छा इसको मैं यहाँ पे स्टेप लिख दे रहा हूँ, इसका पहला स्टेप क्या होगा, पहला सबसे पहले हम क्या लेंगे 4, दूसरा स्टेप यहाँ से क्या होगा 3 प्लस 4 किया, तीसरा स्टेप यहाँ से क्या हुआ 0 प्लस 3 किया, चौथा स्टेप क्या होगा 9 प्लस 0 किया, और इसका पांचवा स्टेप होगा क्या 9 होगा, मतलब इस सीक्वेंस में हम यहाँ पे लिए हैं, सबसे पहले 4 फिर 3 प्लस 4 0 प्लस 3 9 प्लस 0 फिर 9, ये आंसर हमारा आ गया, ठीक। अब यहीं पे हम लेते हैं तीसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल यहाँ पे क्या है कैरी वाला, तो कैरी वाले जैसे यहाँ पे आपने इन दो एग्जांपल यहाँ पे किए, इन दोनों एग्जांपल में कैरी क्या आया, मतलब कैरी आया ही नहीं है, ठीक है, तो अब हम लेते हैं कैरी वाला जिसमें कैरी आएगा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 5 7
थ्री, एट इंटू अलेवन। आप इसे कैसे करोगे? सेम काइंड वही करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, एट लेंगे, एट, तो एट के यहाँ पे एट लिखेंगे। फिर एट प्लस थ्री कितना आएगा, अलेवन आएगा। एट मतलब आठ और तीन ग्यारह, अलेवन आएगा। अलेवन का वन कैरी कितना आ गया, वन आ गया। कैरी को हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड किया तो थ्री प्लस सेवन टेन आएगा, और टेन और वन अलेवन आएगा। फिर यहाँ पे कैरी होगा, फिर सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व होगा, और ट्वेल्व और वन थर्टीन आ जाएगा। थर्टीन का थ्री कैरी वन आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, फाइव। और फाइव में कैरी एक ऐड हो कितना आएगा, सिक्स आएगा। तो आंसर क्या आएगा, सिक्स थ्री वन वन एट। एक बार अगेन रिपीट करते हैं। यहाँ पे क्या लिया, एट का एट लिया, फिर इन दोनों को ऐड किया, एट प्लस थ्री अलेवन, मतलब आठ तीन ग्यारह, ग्यारह की एक कैरी वन आया। फिर सेवन प्लस थ्री टेन आएगा, और टेन और एक कैरी, तो अलेवन हो गया। अलेवन का वन, फिर कैरी वन आएगा। फिर सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व आया, सात पाँच बारह, और एक कैरी कितना हो जाएगा, तेरह का तीन कैरी एक आएगा। फिर यहाँ पे पाँच, पाँच में कैरी एक ऐड किया, सिक्स। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिक्स थ्री वन वन एट आएगा। इसी प्रकार इसका लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। जैसे मान लीजिए, सपोज दैट सेवन जीरो जीरो एट इंटू अलेवन, सेम काइंड सेम फंडा है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, इसको एट कर देते हैं, या हाँ इसको एट कर देते हैं, जिस ठीक। तो सेवन एट जीरो एट इंटू अलेवन, तो यहाँ पे कितना आएगा, एट आएगा। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करोगे तो जीरो प्लस एट एट ही आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे तब भी एट आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करो, सेवन एट फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव कैरी कितना आ गया, वन आ गया। फिर लास्ट में क्या लेंगे, सेवन, और सेवन और कैरी वन एट। तो एट फाइव ट्रिपल एट, क्या किया, सबसे पहले एट का एट लिखा, फिर इन दोनों को ऐड किया तो एट आया, फिर इन दोनों को ऐड किया एट आया, फिर इन दोनों को ऐड किया फिफ्टीन आया, फिफ्टीन का फाइव कैरी वन आया, फिर सेवन और एक कैरी एट। ये आपका आंसर हो गया, दिस ये चार एग्जांपल्स है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलेवन के मल्टीपल से, अगर नंबर अलेवन का मल्टीपल हो तब कैसे करेंगे, मतलब करना क्या है। बात करते हैं अलेवन का मल्टीपल, जैसे पहले इसका एग्जांपल है, सपोज दैट थ्री सिक्स सेवन एट इंटू, मान लीजिए फिफ्टी फाइव। तो यहाँ पे करना क्या है, एक्चुअली जो ये वैल्यू है अलेवन का कौन सा है, फाइव मल्टीपल। हमें फिफ्टी फाइव का टेबल नहीं आता है, लेकिन हमें टेबल किसका आता है, फाइव का। तब हम यहाँ पे केवल फाइव का टेबल पढ़ेंगे, केवल फाइव का। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एट लेंगे, एट। तो एट का फाइव में मल्टीप्लाई करो कितना है, एट फाइव जा फोर्टी आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, आठ पाँच चालीस, जीरो, कैरी कितना आ गया, चार आ गया। उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करो तो एट सेवन कितना आएगा, फिफ्टीन आएगा, और फिफ्टीन फाइव जा सेवेंटी फाइव आएगा, मतलब आठ सात पंद्रह आएगा, और पंद्रह पच्चीस पचहत्तर, सेवेंटी फाइव आएगा। और सेवेंटी फाइव प्लस फोर कितना आएगा, सेवेंटी नाइन, कैरी कितना आएगा, सेवन आएगा। उसके बाद फिर इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, थर्टीन आएगा, और थर्टीन फाइव कितना होता है, सिक्सटी फाइव होता है। सात छः तेरह, तेरह पच्चीस पैंसठ, पैंसठ में अगर हम सिक्सटी फाइव में सेवन जोड़ कितना आएगा, सेवेंटी टू, सेवेंटी टू, सेवेंटी टू का टू कैरी कितना आ गया, सेवन आएगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, नाइन आएगा, नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव और प्लस सेवन तो आएगा फोर्टी फाइव प्लस सेवन फिफ्टी टू आ जाएगा। फिफ्टी टू का फाइव कैरी कितना आएगा, फिफ्टी टू का टू कैरी कितना आएगा, फाइव आएगा। सो
फाइव से 15 और प्लस 5 कितना आ जाएगा 20 आएगा, जो कि क्या है आंसर। इसमें क्या किया, सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा, लिखा है 3678 इंटू 55 लिखा है, तो हमें 55 का टेबल नहीं आता है बट 5 का टेबल आता है, क्योंकि जो 55 वो 11 का मल्टीपल है, तो इसको 55 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 11 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम 11 करेंगे देन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हमने 11 का रूल यूज़ किया, सबसे पहले 8 लिया, 8 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 में 40, 40 का 0 कैरी 4 आया, फिर इन दोनों को ऐड किया 15 आया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75 आया, 75 प्लस 4 79, 79 का 9 कैरी 7 आया, इन दोनों को ऐड किया 13 आया, 13 का मल्टीप्लाई किया 65 आया, 65 प्लस 7 72 हुआ, 72 का 2 कैरी 7 आया, फिर इन दोनों को ऐड किया 9 आया, 9 फाइव 45, 45 में 7 ऐड किया तो 52 आया, 52 का 2 कैरी 5 आया। उसके बाद फिर लास्ट में क्या किया, 3 लिया, 3 का 5 पे मल्टीप्लाई किया तो 3 5 जा 15 और 15 उसमें कैरी 5 ऐड किया कितना हो जाएगा 20, तो आंसर क्या आएगा 202290। देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन हम कर दे रहे हैं कैसे किया, इसका फला सबसे पहले हमने क्या किया 8 इंटू 5 किया, नंबर 2 पे क्या किया 7 प्लस 8, इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर मल्टीप्लाई किया, तीसरा स्टेप यहाँ पे क्या किया 6 प्लस 7 इंटू 5 किया, चौथा ऑप्शन इसका है 3 प्लस 6 इंटू 5 किया, और पांचवे पे क्या किया 3 इंटू 5। तो मतलब पहले यहाँ पे हमने 11 का रूल लगाया, उसके बाद उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82735 मल्टीप्लाई 66। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 66 लिखा हुआ है वो एक्चुअली 11 का मल्टीपल है, 11 का 6 मल्टीपल है, सो हमें केवल 6 का टेबल यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे 5, 5 को 6 में मल्टीप्लाई किया कितना आएगा 30, 30 का 0 कैरी कितना आया 3 आया, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया 5 प्लस 3 8 आया, 8 6 जा 48 होता है तो 48 और प्लस 3 51 आएगा, 3 प्लस 5 8, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3, प्लस 3 जब कैरी ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51 आएगा, कैरी 5 आया। उसके बाद अब यहाँ पे 3 प्लस 7 10 आएगा, 10 का 6 से मल्टीप्लाई किया 60 आया, 60 प्लस 5 65 हो जाएगा और कैरी हो जाएगा 6। नेक्स्ट फिर 7 प्लस 2 किया 9 आया, 9 का 6 से मल्टीप्लाई किया 9 6 जा 54 होता है तो 54 प्लस 6 हो गया 60, 60 का 0 कैरी 6 आ गया, देन 2 प्लस 8 10, 10 6 जा 60 प्लस 6 66 आएगा कैरी हुआ 6, फिर 8 का 6 में मल्टीप्लाई किया 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54 दैट इज आंसर। इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है 9007 इंटू मल्टीप्लाई बाई 44। तुम्हें पता है कि जो 44 होता है वो 11 का 4 मल्टीपल, तो हमें केवल यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ना है, किसका टेबल पढ़ना, केवल 4 का टेबल पढ़ना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे 7 लेंगे, 7 तो 7 फोर जा कितना होता है 28 होता है, 7 चौक 28, 28 की 8 कैरी कितना आ गया 2 आ गया,
सेवन फोर या 28, 28 का 8 कैरी 2 आया, उसके बाद इन दोनों को ऐड किया, 7 प्लस 0 7 आएगा, 7 फोर या 28 प्लस 2 30 आएगा, कैरी कितना आ गया 3 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आएगा, उसके बाद कैरी 3 ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, उसके बाद इन दोनों को ऐड करने पर 0 आएगा, 0 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 9 आ जाएगा, 9 फोर या 36, 36 का 6 कैरी कितना आया 3 आया, फिर लास्ट में 4 इंटू 9 किया तो 9 फोर या 36, तो प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा 39, यही क्या है आंसर है। अगला ट्रिक है मल्टीप्लाई विथ 999 या 999 डॉट डॉट डॉट। अब हम यहाँ बात करते हैं मल्टीप्लाई 999, जैसे इसका पहला एग्जांपल है, फर्स्ट सपोज दैट 4578 इंटू 4 टाइम 9, यहाँ लिखा क्या है 4578 इंटू 4 टाइम 9, 999 मतलब 4 टाइम है। इसे दो तरीके से कर सकते हैं, पहला तरीका इस पर स्प्लिट करना है, स्प्लिट मेथड का मतलब यहाँ पे यह है कि 9999 को हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इसको 10,000 माइनस 1 10,000 से मल्टीप्लाई करके इसी नंबर से मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को आपस में माइनस करेंगे, तो वो थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा हो जा रहा। तो इसके अलावा तरीका इसमें और है, कब जब जितने यहाँ पे डिजिट्स हो उतने ही यहाँ पे 9 हो, मतलब जितने यहाँ पे डिजिट हैं उतने यहाँ पे 9 होना कंपलसरी है तभी यहाँ पे लग पाएगा। तो यहाँ पे 4578 इंटू 4 टाइम 9, तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सिंपल लॉजिक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 8 है इस 8 में 1 माइनस करेंगे, 8 में जब 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे आएगा 7754 आएगा, फिर अब इस वैल्यू को इस 999 में माइनस करना है, तो क्या करेंगे 9 में से 7 गया 2 आएगा, 9 में से 7 गया 2 आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, और 9 में से 4 गया 5 आएगा, यही क्या है आंसर है। क्या किया कि 4578 इंटू 9,911 को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम जितने यहाँ पे 9 है उतने अगर डिजिट हैं तो इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं, एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करना आपको क्या है कि जो यहाँ पे डिजिट है इसके यूनिट डिजिट में एक माइनस करेंगे, 4578 में 1 माइनस किया 8 में तो कितना आएगा 7 आएगा, तो इसको जैसे है वैसे यहाँ पे लिख लिया, तो यहाँ पे 8 में से 1 गया 7 आया, फिर 754, फिर इस वैल्यू को इसमें से माइनस करना है, फिर हमने यहाँ पे क्या किया 9 में से 7 गया 2 आया, 9 में से 7 गया 2 आया, 9 में से 5 गया 4 आया, 9 में से 4 गया 5 आया, तो हमारा आंसर कितना आया 4577542। इसी प्रकार इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए थ्री नाइन एट इंटू 999, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो करना यहाँ पे क्या है मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे बहुत फास्ट, जितने 9 हैं उतने अगर डिजिट हैं, यहाँ पे 3 9 हैं और यहाँ पे कितने अंक हैं 3 अंक हैं, तो करना क्या है लास्ट वाले में एक माइनस करो तो 7 आएगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे 9 3, मतलब 398 में 1 माइनस किया तो 397 है, अब 397 को इनमें माइनस करना है, तो 9 में से 7 गया 2 आएगा, 9 में से 9 गया 0 आएगा, और 9 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा 6 आएगा,
यही क्या है, आंसर है। ठीक, तीसरा एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे मान लेते हैं कि डिजिट कम है और नाइन ज्यादा है, सपोज दैट 5 3 7 इंटू 9 9 9 और 9। तो आप यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो 9 है 4 टाइम्स है और यहाँ पे जो डिजिट है वो केवल कितने हैं, यहाँ पे जो डिजिट है वो 3 डिजिट हैं। तो करना आपको यहाँ पे क्या है, जब 9 ज़्यादा हो और डिजिट कम हो तो क्या करेंगे, डिजिट में आप 0 लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इस साइड में आपने 0 लगा लिया, तो ये बन गया 0 5 3 7। अब वही सेम लॉजिक है, करना क्या है, इसमें एक माइनस करेंगे 7 में, तो 7 में 1 गया कितना आएगा, 6 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को इसमें माइनस करना है, 0 5 3 6 को इसमें से माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 9 में से 6 गया 3 आएगा, 9 में से 3 गया 6 आएगा, 9 में से 5 गया 4 आएगा, और 9 में से 0 गया 9 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 5 3 6 9 4 6 3, दैट इज आंसर। ठीक, अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहां पे है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप करिए, 9 8 इंटू 999। तो अभी समझाया है कि जितने 9 हैं उतने यहाँ पे डिजिट होना चाहिए, तो यहाँ पे 9 कितने हैं, यहाँ पे जो 9 है वो 3 हैं और डिजिट कितने हैं, 2 हैं। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तो हम 0 ऐसा 0 लगाएंगे कि इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जैसे 98 लिखा हुआ है तो 0 लगाने के बाद भी ये 98 ही रहे, तो हम क्या करेंगे, 0 आगे लगाएंगे, तो क्या आएगा, 098 आएगा। सेम काइंड अब क्या करेंगे, 8 में 1 गया 7 आएगा, और ये 9 आएगा, और ये क्या आएगा, 0 आएगा। अब क्या करेंगे, 9 में 7 गया 2 आ गया, 9 में 9 गया 0 आ गया, और 9 में 0 गया 9 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा, 9 7 9 0 2, दैट इज आंसर। अगला ट्रिक यहाँ पे है, जैसे हम लेते हैं मल्टीप्लाई विद 5 की पावर n, n के प्लेस पे आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो 1 रखने पे 5 आएगा, 2 रखने पे 25 आएगा, 3 रखने पे 125 आएगा, 4 रखने पे 625 आएगा, 5 रखने पे 3125 आएगा। सो इसी प्रकार जब किसी भी नंबर में हम 5 या 25 या 125 या 625 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे जल्दी करेंगे, कैसे फास्ट करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे, 10/2, क्या होगा, 10/2। अगर 5 इससे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज दैट 6 8 9 और मल्टीप्लाई 5 करना है, तो हमें पता है कि आपको 5 का टेबल आता है, पर इसे आप 5 फास्ट कैसे करोगे, तरीका यहाँ पे है, इसको आप क्या करोगे, कुछ करना नहीं है इसमें, आप क्या करोगे, इस यहाँ लगा देंगे 0, 0 लगाने के बाद इसका हाफ कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लगा के 0 हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 3 4
फोर फाइव आ जाएगा, ठीक है। या इसको हम लिख देते हैं ऐसे, देखो सिक्स एट नाइन जीरो, इसमें टेन से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाई यहाँ पे क्या किया, टू किया, क्योंकि यहाँ पे फाइव की पावर वन है, पावर वन है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वन जीरो लगाएंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे, टू करेंगे। इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, थ्री फोर फोर फाइव, दैट इज आंसर। तो आप ये बिना लिखे भी आप इतना डायरेक्ट कर सकते हो। इसी प्रकार इसका दूसरा एग्जाम्पल है, इसे मान लीजिए थ्री फोर सिक्स एट मल्टीप्लाई बाई फाइव है, तो अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे जीरो लगा करके इसका हाफ करना है। मतलब ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ थ्री फोर सिक्स एट जीरो डिवाइड बाई टू, क्योंकि आपको पता है जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव के प्लेस पे क्या रखेंगे, टेन बाई टू, मतलब यहाँ पे हम रखेंगे टेन बाई टू, तो टेन से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा और डिवाइड बाई टू करेंगे। तो मैंने पहले भी कहा कि बिना लिखे भी आप डाइट कर सकते हो। सो ये कितना आ जाएगा, वन सेवन थ्री फोर जीरो, यही आपका क्या है, आंसर है। यदि सपोज दैट मान लीजिए 25 आ जाए, 25 रहेगा तो 25 के प्लेस पे आप क्या करेंगे, 100 अपान क्या होता है, 4 होता है। सो जब 25 से मल्टीप्लाई करना होगा तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम दो जीरो चिपका करके 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे सही जवाब पे है, मान लीजिए 248 इंटू 25 है, तो क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा दो जीरो लगा सकते हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ऐसे इसको करेंगे 248 00 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा, 4×24 और 4×8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका अगला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए सपोज दैट 5 6 3 इंटू 25 है, तो आप क्या करेंगे, सीधा फंडा इसका ये है कि 5 6 3, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसका टू, लिखा है 5 6 3 इंटू 25, 563 इंटू 25 है, तो इसे कैसे करेंगे, 5 6 3 25 है तो यहाँ लगाएंगे दो जीरो और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 4 करेंगे। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 1 4 0 7 5, ये क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसको 4 से डिवाइड किया तो 1 4 0 7 5 आएगा। सेम काइंड अब हम बात करते हैं, यदि हमें मल्टीप्लाई करना हो किससे, 125 से, जो 125 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम क्या करेंगे, 125 के प्लेस पे 1000/8 रखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये 5 की पावर 3 होता है, तो 5 की पावर 3 होता है, पावर 3 होने के वजह से हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगाएंगे और डिवाइड बाई करेंगे 2 की पावर 3 से, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सपोज दैट 2 4 4 इंटू 125 लिखा हुआ है कि 244 इंटू 125, तो हम क्या करेंगे, 244 125 लिखा हुआ है, 125 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 000 आएगा और डिवाइड बाई क्या करेंगे, 8 करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा, 8 3 24 0, ठीक है। उसके बाद 8 5 40 00, यही क्या आ गया, आंसर आ गया।
इसी प्रकार एक सेकेंड क्वेश्चन का देख लेते हैं। सेकेंड क्या, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 4 3 3 इंटू 125। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको, 4 3 3 125 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 30 आएगा और डिवाइड बाई क्या होगा, 8 होगा। सो अब इसको डिवाइड करोगे तो 8 5 जा 40, 8 5 40 हो जाएगा, 3 होगा 33, 8 4 32 एक आएगा, फिर 8 8 8 2 16 8 5 40, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको एक बार और रिपीट करते हैं। लिखा हुआ 433 इंटू 125। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 3 0 चिपका दिए, देखो यहाँ पे 30 लगे हुए हैं, 433 000 और डिवाइड बाय 8 किया, 8 से डिवाइड करने पे आएगा 54125, इसका आंसर हो गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट कॉन्सेप्ट भी था यहाँ पे, लास्ट टिक था, बाकी जो बचा हुआ है उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं, हमने आपको पिछली क्लास में 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के रूप में, उन क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 11 है, क्वेश्चन था 88% ऑफ 25 प्लस 128% ऑफ 75, फिर है प्लस क्वेश्चन मार्क 25 इंटू 256%। तो सब यहाँ करना क्या है, इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम शिफ्टिंग मेथड यूज करेंगे। फिलहाल देखो शिफ्टिंग मेथड का मतलब यहाँ पे ये है, 88% है, 128% है, इनको ऐड करने पे ना 100 आया ना 100 का मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान देखा जाए तो यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 75 लिखा हुआ है, अगर इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा, 100 आ रहा है। सो यहाँ पे हम जो आपको पिछली क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए थे 100 या 100 का मल्टीपल वाला, वो लगा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। तो करना आपको यहाँ पे क्या है, देखिए हम परसेंटेज को शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 25% ऑफ 88 प्लस 75% ऑफ 128 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 25% इंटू 256। अब यहाँ पे फंडा वही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनका समेशन 100 है, अगर इनका सम इनका प्लस 100 है तो आप क्या करते थे, इन दोनों में जो छोटा नंबर होगा उसको लिखेंगे, 80 लिखा, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, फिर इन दोनों नंबर का डिफरेंस लेते थे, इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना आएगा, 40 आएगा, और इनटू जो बड़ी वाली नंबर है, क्योंकि 88 लिखा है ये 128 लिखा हुआ है, ठीक, तो बड़ी वाली जो नंबर है 128 है, इसके साथ जो परसेंटेज लगा हुआ उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 75%। ठीक, अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर लगाओगे, चाहे रहने दीजिए, क्वेश्चन मार्क प्लस, और 25% का मतलब होता है 1/4 इंटू 256 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 25, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये तो रहेगा 88 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 40 आएगा, इंटू 75%, 75% का वैल्यू होता है 3/4 होता है, कितना होता है, इसका जो वैल्यू होता है ये 3/4 होता है, क्वेश्चन मार्क प्लस, इसको 4 से काटोगे तो 4 6 आएगा, और यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ कट करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो 88 प्लस 30 माइनस 64 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो फाइनली जो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आएगा
कितना आएगा 54 आ जाएगा, क्योंकि देखो 88 में 64 गया, अब 80 में सबसे पहले 60 माइनस करो कितना आएगा 28 आएगा, और 28 में अगर हम 4 माइनस 28 में अगर 4 माइनस किया तो 24 आएगा, 24 प्लस 30 कितना आएगा 54 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 54, ये आपका आंसर होगा। ठीक, इसी प्रकार इसका क्या होगा, इसमें कुछ करना नहीं, क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है सिर्फ आपको इनके कन्वर्जन वैल्यू आपको याद होने चाहिए। तो जैसे 8.33% का जो कन्वर्जन वैल्यू होता है 1/12 होता है, इनटू 28.57% का वैल्यू होता है 2/7 इंटू 72.72%, क्योंकि एक्चुअल में इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 8 × 9.09%, इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि अगर यहाँ से हम 8 कामन ले लें तो 8 कामन लेने पर 9.09%, तो 9.09% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/11 होता है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 8/11 इंटू 462 आएगा, इसे कट करोगे 44 जा एंड 42 जा, उसके बाद ये कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ से ये कट करोगे तो 6 आएगा, और ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा, मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 8। ठीक है, आज जितने भी ट्रिक्स बताए हैं इन सभी ट्रिकों पर आप कम से कम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अगर कोई डाउट होगा तो। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।